प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब बच्चों का सही से जा रहा होगा प्यारे बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास टेंथ के लिए वो है एनर्जी रिसोर्स दैट इज एनर्जी रिसोर्स प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनर्जी है एनर्जी की हमें जरूरत है एनर्जी इज रिक्वायर्ड ऑल एक्टिविटीज ये आप जानते हैं हर एक काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है प्यारे बच्चों अगर हम रिसोर्सिस की बात करेंगे इंडस्ट्रीज टू तो रन द इंडस्ट्रीज दैट आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सिस हैव यू गॉट माई पॉइंट प्यारे बच्चों में फिर से यहां पर रिपीट करता हूं इस बात को फिर से मैं दोहराता हूं यहां पर मैंने कहा प्यारे बच्चों कि हमें एनर्जी की जरूरत है हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अगर हम वसायलों की बात करते हैं वसायल की बात करते हैं रिसोर्स की बात करते हैं विच आर यूज एज पावर रिसोर्सिस विच आर यूज एज पावर टू तो रन द इंडस्ट्रीज दे आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सिस हम क्या कहते हैं उन्हें हम एनर्जी रिसोर्सिस कहते हैं प्यारे बच्चों अगर हम फ्यूल मिनरल्स की बात करेंगे लाइक like, कोल की बात करते हैं नेचुरल नेचुरल गैस की बात करते हैं ठीक है पेट्रोलियम की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं ठीक है प्यारे बच्चों अगर हम फ्यूल मिनरल्स की बात करते हैं लाइक like, कोल नेचुरल गैस है इलेक्ट्रिसिटी है पेट्रोलियम है यूरेनियम है दे कैन दीज और वी कैन से दीज कैन सिंपली जनरेट पावर और दे कैन जनरेट एनर्जी ये क्या जनरेट करते हैं ये एनर्जी जनरेट करते हैं कोल है नेचुरल गैस है इलेक्ट्रिसिटी है यूरेनियम है पेट्रोलियम है दीज थिंग्स दीज रिसोर्सेज ये क्या जनरेट करते हैं ये एनर्जी जनरेट करते हैं है यू ट माई पॉइंट प्यारे बच्चों अब एनर्जी रिसोर्सिस जो होते हैं इधर दे कैन बी कन्वेंशनल जो हम एनर्जी रिसोर्सिस यूज करते हैं इधर दे कैन बी कन्वेंशनल और दे कैन बी दे मे बी नॉन कन्वेंशनल या तो ये कन्वेंशनल हो सकते हैं या नॉन कन्वेंशनल हो सकते हैं अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कोल उसमें आ जाता है पेट्रोलियम उसमें आ जाता है नेचुरल गैस ठीक है डियर स्टूडेंट्स दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है दे हैव बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम दे हैव बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड these things, these resources they take millions of years to form again. these things they take millions of years सालों लगते हैं हजारों साल लगते हैं इनको बनने में ठीक है दस दे आर फाइनाइट ये फाइनाइट हो, होते हैं और ये नॉन रिन्यबल होते हैं एक बार ये ये एग्जॉस्टेबल होते हैं ये नॉन रेनवेबल होते हैं गॉट पॉइंट मैंने यहां पे बात छेड़ी कि जो ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं दे कैन इधर बी कन्वेंशनल और दे कैन बी नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल में हमने कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस की बात की बिकॉज दे हैव बीन फॉर लॉन्ग टाइम इनको बनने में बहुत समय लगता है बहुत वक्त लगता है ये फाइनाइट होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं दैट इज वाई दे आर कन्वेंशनल दैट इज वाई दे आर कन्वेंशनल उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव कम यूज रिसेंटली अगर हम इसकी टेक्नीशियन लेंगे कम इन टू यूज रिसेंटली उनको अगर हम कन्वेंशनल की बात करते हैं हैव हैव बीन बीन यूज्ड यूज्ड फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम ठीक है दे दे आर आर फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल अगर हम नॉन कन्वेंशनल की वो कन्वेंशनल कहलाते हैं अगर हम नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है दे आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव कम इंटू यूज रिसेंटली विच हैव कम इंटू यूज रिसेंटली डियर स्टूडेंट्स डियर वीवर्स इसमें विंड एनर्जी आ जाती है इसमें बायोगैस एनर्जी बायोगैस आ जाता है बायोगैस एनर्जी आ जाती है इसमें एटॉमिक एनर्जी आ जाती है इसमें एटॉमिक एनर्जी आ जाती है ये किस में श, आ, हो, शामिल होते हैं ये नौ, ये नॉन कन्वेंशनल में शामिल होते हैं बिकॉज दी सोर्स ऑफ एनर्जी हैव कम इंट्रो यूज रिसेंटली जिसमें हमने सोलर एनर्जी की बात की जियोथर्मल एनर्जी की बात की टाइडल एनर्जी की बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं बायोगेस एनर्जी की बात करते हैं प्यारे बच्चों जो ये हैं ये हमारे आ, अगर हम बात करेंगे माहौल की बात करेंगे एनवायरानमेंट की बात करेंगे ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल होते हैं हमारे पास फ्रीली अवेलेबल होते हैं प्यारे बच्चों ये यूजुअली इन एग्जॉस्टिबल होते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं ये यूजुअली इन एग्जॉस्टिबल होते जैसे कि जो कन्वेंशन वो एग्जॉस्टिबल होते हैं है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं ये इन एग्जॉस्टिबल होते हैं और रिन्यूएबल होते दे आर सच सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं है, प्यारे बच्चों ये था आज का टॉपिक दैट वाज अबाउट द एनर्जी रिसोर्स तो इनशाला अगले वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में पेट्रोलियम के बारे में नेचुरल गैस के बारे में ऑकरेंस के बारे में ठीक है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में अगले टॉपिक्स में हम बात करेंगे दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक थैंक यू वेरी मच